वर्सेज 20 ये मछली पटनम की कहानी है 1990 में वहां के लोग एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से पेश आते थे, जीवन बिता रहे थे. उसी गांव में एक परिवार था रामैया उसकी पत्नी शकुंतला और उनका बेटा रमेश रमेश रोज स्कूल से लौटने के बाद दोस्तों के साथ खेला करता था खेलकूद में इतना गुम होता था कि ना उसे अपने कपड़ों की चिंता होती थी ना ही जूतों की शकुंतला इस बात से उसे हमेशा डांटती थी पर रमेश ध्यान नहीं देता था एक बार रमेश अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कुछ बच्चे टायर का पहिया घुमा रहे थे तो कुछ बच्चे गेंद के साथ खेल रहे थे तभी शकुंतला वहां आकर डांटने लगती है रमेश सुबह से खेल रहे हो नाश्ता भी नहीं किया तुमने कपड़े तो तु देखो कितने मैले हो गए हैं इन्हें धोते धोते मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं पहले घर चलो घर चलो तुम शकुंतला उसे खींचते हुए घर ले जाती है रमेश रो रहा था छोड़ो न मां छोड़ो न मा, खेलना है रामैया ये देख शकुंतला खेलने दो उसे यू कहता है सुबह से खेल रहा है ये घर में पैर ही नहीं टिकता इसका इस उम्र में बच्चों ने खेलना चाहिए बेटा तुम खाना खाने के बाद फिर बाहर जाकर खेलो रामैया कहता है शकुंतला रमेश को खाना खिलाती है फिर दोनों गपशप करते हैं यू खुशहाल थी उनकी जिंदगी रमेश खेल कर आता फिर माँ बाबा के साथ बैठ खाना खाता गप्पे लड़ाता यू ही साल बीत जाते हैं रमेश बड़ा हो जाता है उसकी शादी भी हो जाती है उसका बेटा है किरण बिल्कुल अपने पिता पर गया है वो बचपन में रमेश को जैसे खेल कूद पसंद थी ना वैसे ही किरण को भी खेल पसंद है पर थोड़ा अलग वो स्कूल से आते ही माँ तुम्हारा फोन दो यू कहकर माँ से फोन ले लेता है उस पर वीडियो गेम्स खेलने लगता है किरण क्या हमेशा फोन लेकर बैठ जाते हो कभी बाहर जाकर भी खेलो दोस्तों के साथ यू बाहर जाकर खेलने से तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। जाओ जाओ बाहर जाकर खेलो पर किरण माँ की बातों पर ध्यान नहीं देता इतने में शकुंतला आकर किरण क्या कर रहे हो बेटा फोन में ही खेल रहे हो फोन रखो दादी से बात करो ओहो दादी रुको ना मेरा गेम डिस्टर्ब हो रहा है किरण फिर से फोन में गुल हो जाता है किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता किसी की बात भी नहीं सुनता वो वीडियो गेम खेलने में मशगूल था उतने में रमेश आकर किरण हमेशा फोन लेकर खेलते हो कभी बाहर दोस्तों के साथ भी तो खेला करो डैडी मम्मी क्यों हमेशा बाहर जाकर खेलो बाहर जाकर खेलो कहते हैं आप क्या मेरा घर पर रहना पसंद नहीं है आप लोगों को पलट कर जवाब देता है किरण तुम अब से ही पलट कर जवाब दे रहे हो दोबारा ऐसा करोगे ना तो पिटाई करूंगी तुम्हारी उसकी माँ डांटती है पर किरण ध्यान नहीं देता वो फोन में ही लगा रहता है उसकी दादी कहती है रमेश तुम्हें याद है बचपन में तुम कितना खेला करते थे बाहर जाकर दोस्तों के साथ धूम मचाते थे न कपड़ों का ख्याल रहता था तुम्हें न खुद का सच कह रही हो माँ वो दिन ही अलग थे हम सब इकट्ठे बैठ खाना खाते थे बातें करते थे पर आजकल तो वो बात ही नहीं रही हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त है न कोई किसी से मिलता है न कोई किसी से बात करता है टेक्नोलॉजी से दुनिया तो पास आ गई है लेकिन इंसान इंसान से दूर हो गया है मेरे बेटे ने ही आज तक मुझसे प्यार से बात नहीं की हाँ बेटा सच कह रहे हो तुम पर पहले इसे बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलने के लिए कहो वरना यह इस वीडियो गेम के चक्कर में सारी दुनिया को ही भूल जाएगा तभी किरण की माँ उसे हाथ पकड़कर बाहर धकेल देती है जाओ जाकर खेलो दोस्तों से लेकिन हाथ से फोन 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 नहीं छोड़ता। वो पकड़कर देखे जा रहा था। फोन इधर दो। मुझे दो किरण जाओ जाकर दोस्तों के साथ खेलो यो कहकर उसकी माँ फोन लेकर घर में चली जाती है किरण वही खड़ा था उसके कई सारे दोस्त थे पर कोई बाहर नहीं आता था सारे फोन पर ही वीडियो गेम खेला करते थे किरण गुस्से से घर में आता है माँ से माँ तुमने मुझे बाहर खेलने के लिए भेजा पर वहाँ कोई नहीं है मेरे सारे दोस्त वीडियो गेम खेल रहे हैं। तुम लोग मुझे बाहर जाकर खेलने के लिए कह रहे हो पर कोई नहीं आता बाहर खेलने मैं अकेला बाहर जाकर क्या करूं किसके साथ खेलूं वो फिर से फोन हाथ में लेकर वीडियो गेम खेलने लगता है उसकी माँ निराश होकर देख रही थी तब उसकी दादी ये है आजकल के बच्चे जरा भी नहीं सुनते हमारी बात तो इनके पल्ले ही नहीं पड़ती उन दिनों तुम्हारा पति तो बाहर ही खेला करता था हम सब एक साथ बैठ गपशप करते थे साथ में खाना खाते थे खुशी खुशी बीते वो दिन यु कहकर शकुंतला कमरे में जाती है किरण इन सब बातों को नजरअंदाज करके फोन में वीडियो गेम खेले जा रहा था दिन बीत रहे थे माँ बाबा दादा दादी सारे उसे समझाते हैं पर वो किसी की नहीं सुनता किसी की बात नहीं मानता रमेश इस बात से काफी परेशान होकर ये ऐसा ही चलता रहा तो इसे बाहर की दुनिया के बारे में पता कैसे चलेगा हमारे बचपन में हम माँ बाबा से कितनी बातें करते थे उनकी बात मानते थे पर आजकल के ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुनते यू कहता है तब शकुंतला कहती है रमेश मैंने मेरी जिंदगी में देखा कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई नए नए आविष्कार हुए पर साथ साथ कई सारी पुरानी बातें खो गई कई सारी चीजें मानो लुप्त हो गई सही कह रही हो माँ रमेश कहता है दिन बीत रहे थे किरण हमेशा फोन लेकर ही खेलता था इसकी वजह से उसकी आंखें कमजोर हो रही थी रमेश ये देख किरण के लिए ऐनक ले आता है किरण वो पहनकर बाबा अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है यू कहता है ठीक है पर जानते हो तुम्हें यह ऐनक लगाने की नौबत क्यों आई लगातार फोन देखने की वजह से यह सुनकर किरण कुछ दिन फोन नहीं लेता माँ बाबा सोचते हैं उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है पर कुछ दिन बाद बाबा मुझे अपने लिए एक फोन चाहिए खरीदेंगे ना आप किरण यू पूछता है इस उम्र में तुम्हें फोन क्यों चाहिए किरण इस बात पर किरण रोने लगता है जिद करने लगता है फिर क्या रमेश उसके लिए अलग से फोन खरीदता है किरण फिर से फोन लेकर बैठने लगता है वीडियो गेम्स खेलने लगता है सब कुछ भूल जाता है माँ बाबा फिर से परेशान हो जाते हैं रमेश के बाबा कहते हैं आजकल कोई बात नहीं सुनता हर कोई इस फोन में गुम है हमारा नाती ना हमसे बात करता है और ना ही हमसे खेलता है कंप्यूटर का जमाना है भाई कर भी क्या सकते हैं। ये बातें सुनकर रमेश और उसकी पत्नी किरण को इस फोन की आदत से दूर करने का ठान लेते हैं दोनों उससे बात करना बंद कर देते हैं उसके समझ में आने लगता है। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा क्यों? मुझे बुरा लग रहा है वो यू रोते हुए कहता है ओह आया समझ में इतने दिन तुम फोन में वीडियो गेम खेलने में बिजी थे हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे हमसे बात नहीं कर रहे थे बच्चे माँ बाबा दादा दादी से कितनी सारी बातें करते हैं उनके साथ खेलते हैं पर तुम उनसे बात ही नहीं करते वो उनका प्यार तुम पर जताना चाहते हैं, पर तुम्हें तो वीडियो गेम से फुर्सत ही नहीं है ये बातें सुनकर किरण रोने लगता है माँ मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है माँ मुझे माफ कर दो वो यू कहता है उस दिन से किरण माँ बाबा दादा दादी के साथ हंसी खुशी बातें करने लगता है उनके साथ बैठकर खाना खाने लगता है इतना ही नहीं बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलने लगता है